धनखड़ महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों का अनावरण करेंगे। आपको बता दें कि देश के 13 महान नेताओं की मूर्तियों को उनकी पुरानी जगह से हटाकर संसद में नई जगह पर स्थापित किया जा रहा है, लेकिन अब इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और कांग्रेस का ऐसा मानना है कि ऐसा जानबूझकर किया जा रहा है। क्या है कांग्रेस के आरोप और क्या है लोकसभा सचिवालय का जवाब? क्या वाकई इसमें राजनीति करनी चाहिए या नहीं? आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट में, देखिए। संसद भवन के परिसर के हिस्से में विरोध प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी की मूर्ति आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन अब महात्मा गांधी समेत देश के 13 महान नेताओं की मूर्तियों का नया पता प्रेरणा स्थल बन रहा है। यानी अब जब 18वीं लोकसभा में सदन की कार्रवाई होगी तो माननीय सदस्य यही प्रेरणा स्थल से ही देश चलाने को लेकर प्रेरणा हासिल करेंगे। हालांकि इस पर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस देश के महान नेताओं की मूर्तियों के स्थान बदलने को गलत बता रही है तो बीजेपी जमकर पलटवार कर रही है। यानी संसद के परिसर के बाहर अभी से माहौल बन रहा है। वर्तमान सरकार है उसका विश्वास ना गांधीवाद में है ना अंबेडकरवाद में। दलित के द्वारा जो संविधान की रचना हुई है उसको वो दिल से स्वीकार नहीं कर रहे, और गांधी विचारधारा से तो इनका शुरू से इनका झगड़ा है, शुरू से इनकी लड़ाई है। अरे प्रेरणा स्थल बन रहा है जहाँ पूरे देश के लोग जाएंगे, अपने महापुरुषों को देखेंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, लेकिन इन कांग्रेसियों को तो सीखने से कोई मतलब है नहीं। कांग्रेस का तो यहाँ तक मानना है कि प्रेरणा स्थल नाम रख देने से अब आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ संसद परिसर में आवाज बुलंद करने में मुश्किल होगी। हालांकि संसद भवन परिसर में महापुरुषों की मूर्तियां हटाए जाने को लेकर जो विवाद उठा उस पर लोकसभा सचिवालय पहले ही सफाई दे चुका है। सचिवालय की ओर से कहा जा चुका है कि ये स्पष्ट है कि संसद भवन परिसर से किसी भी महापुरुष की प्रतिमा हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्हें संसद भवन परिसर के अंदर ही व्यवस्थित एवं सम्मानजनक रूप से स्थापित किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस महीने 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा तो संसद परिसर नए स्वरूप में नजर आएगा। संसद परिसर के अंदर 4 इमारतों को मिलाकर एकीकरण का काम भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।